दूसरा जितने मजदूर हैं दिल्ली के अंदर, कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, आज हम लोगों ने तय किया है कि उन सब लोगों को हम 5,000 रुपये देंगे, ताकि इस वक्त उनकी रोजी रोटी चली गई। ये सब दिहाड़ी मजदूर थे, इनके ये रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। तो इन सब लोगों को, जितने भी दिहाड़ी मजदूर, जितने कंस्ट्रक्शन मजदूर थे, इनको सबको हम 5,000 रुपये देंगे। और जैसा मैंने बताया, नाइट शेल्टर्स की संख्या हम दिल्ली में बहुत और कई सारे सेंटर्स खोल रहे हैं, जहाँ पे खाने की अगर किसी को भी दिक्कत है तो वहाँ जाके वो खाना खा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से एकजुट होकर हम सब लोग इसका सामना कर रहे हैं बीमारी का, हम इस पर ज़रूर ऊपर वाले की दया से ज़रूर काबू पा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कल लॉकडाउन किया था, आज से कर्फ्यू चालू किया दिल्ली के अंदर। मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी। हम सरकार की तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आपकी सारी तकलीफ़ें हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन आपकी तकलीफ़ें कैसे कम हो उस दिशा में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन इस वक्त सब लोगों की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सारे कदम उठा रहे हैं, इतने कठोर कदम उठा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप इसको समझ रहे होंगे और इसमें, इन कठोर कदमों में पूरी तरह से साथ देंगे। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग इस वक्त एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारे भारत के लोगों की सबसे बड़ी ताकत है कि जब मुसीबत में होते हैं तो हम सारे एक दूसरे की मदद करते हैं। कल मैंने कहा था कि कई गरीब लोग ऐसे हैं जो अपना रोज़ी रोटी रोज़ाना कमाते थे, खाते थे, और वो किराए पे रहते हैं, वो अपना किराया नहीं दे पा रहे होंगे। तो मैंने कहा था भाई, कोई भी किराएदार अगर किराया देने की हालत में ना हो तो मकान मालिक उनके एक या दो महीने का किराया टाल दे। मैं ये नहीं कह रहा माफ़ कर दे, मेरे पड़ोस के 3 या 4 घर भूखे नहीं सोने चाहिए। अगर सारे जने ये ठान लेंगे, दिल्ली के अंदर अपने सारे जने ये ठान लेंगे कि मैं ये मेरी गली में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, तो मैं समझता हूँ कि कोई भूखा नहीं रहेगा। और ये जो इतनी